आपका ऐसे न्यूज में आजमगढ़ में अलीगढ़ में रामगढ़ रोड पर परमात्मा का पाठ होने वाला है। कमिल परमेश्वर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली जा रही है जिसे शोभा यात्रा कहते हैं। आपको ये बहुत ही सुंदर व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं। ये गाड़ी है सुंदर तरीके से डेकोरेट हो रही है। नीचे अब आपकी बात कराने वाले हैं यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनसे कि इस शोभा यात्रा को देखकर वो इसमें क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है इससे किसी प्रकार की असुविधा देखने को मिल रही है? नहीं, बढ़िया मिल रही है, बढ़िया है। सब निकले जा रहे हैं शांति से, सुख शांति से। मतलब सभी लाइनों से जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है किसी को निकलने में कोई दिक्कत आ रही हो? ना, कोई परेशानी ना, सब अपना निकले चले जा रहे हैं आराम से। ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है ये किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? ये शोभा यात्रा इस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है कि परमात्मा कबीर साहेब जी आए हुए हैं, उनका सबको पता चले और मतलब उनके दर्शन करें, ये सबको पता चले कि परमात्मा आए हुए हैं। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को सभी जानते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर जो अपार शक्ति है उनसे ऊपर शक्ति उसे कोई नहीं पहचानता, इसलिए ये शोभा यात्रा परमात्मा की पहचान के लिए निकाली जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की श्रद्धालु कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे ये जो शोभा यात्रा जो रैली निकल रही है इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? ये शोभा यात्रा हमारे गुरु जी का कई प्रकट दिवस पे समागम होने जा रहा है, जो 2-3-4 सतलोक आश्रम शामली में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये जो गाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड होकर एक के बाद एक काफिला चलता जा रहा है, ये इतना अनुशासन किस किसकी वजह से, कौन गाइड कर रहा है इसको? संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज कौन है आपके? संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, और वो उनका दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत में बहुत बड़ा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज के कुछ मुख्य उद्देश्य क्या हैं जो समाज को सुधार सकते हैं या समाज में एक नई क्रांति ला सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त, जो ये सरकार द्वारा नशा मुक्त केंद्र खुलवाए गए हैं वो भी सरकार फिर भी नशा नहीं छुड़वा पा रही है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नशा मुक्त भारत बनने जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस शोभा यात्रा के बारे में? परमात्मा की दया से बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली है, गुरु जी के 626वें प्रकट दिवस के ऊपर निकाली गई है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी न्यूज में। आज हम आ चुके हैं जिला अलीगढ़ में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आध्यात्मिक चेतना की रैली और जो शोभा यात्रा है निकाली जा रही है। ये जो लगातार आप जो पीछे हमारे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है ये भी हम आपको बताते हैं। 2-3-4
जून को जो संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमात्मा सह शरीर आए थे पृथ्वी पर, उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। ये जो आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से डेकोरेटेड जो गाड़ियां हैं सजी हुई हैं, इन पर सतगुरु देव जी का जो फोटो है स्वरूप है वो लगा हुआ है। अब खास बात यह है कि जो समागम होने वाला है कबीर प्रकट दिवस, इस पर क्या क्या होने वाला है? दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, रक्तदान शिविर जो कहते हैं रक्तदान महादान होता है वो लगाया जाएगा। ये देखिए ट्रैक्टर पर एक सुंदर सा स्वरूप लगाया जा रहा है जिसके ऊपर एक छत्र है, लगातार चवर करते जा रहे हैं, और ये जो भगत मतियाँ हैं लगातार चलती जा रही हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो शोभा यात्रा इनका निकालने का मेन उद्देश्य क्या है। ये समाज में जगत में एक बहुत ही सुंदर समाज तैयार करना चाहते हैं। ये देखिए बोर्ड पर आगे लिखा हुआ है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी जल कल जल कमर पे डेरा, तहां जुलाई ने पाया। तो इसका क्या मतलब है? ये इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज एक समाज में नई चेतना, नई आध्यात्मिक चेतना जागरूक करना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर खुद सह शरीर आए थे इस दिन, उसके उपलक्ष में 626वां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये देखिए एक से एक बढ़िया गाड़ी डेकोरेटेड जो कि बिल्कुल अनुशासन में चल रही है, बिना किसी प्रशासन के, ना कोई प्रशासन है ना कोई इन्हें कोई गाइड करने वाला है, फिर भी ये बहुत ही अनुशासन में एक के बाद एक गाड़ी चलती जा रही है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो ट्रैक्टर है सोनेली का बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, और उस पर भी एक स्वरूप रखा है कबीर परमात्मा जी का और संत रामपाल जी महाराज जी का, उस पर लगातार चवर हो रहा है। ऐसा ही बताया है कि सतलोक में भी इसी तरीके से चवर होता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे अध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, ये बच्चे किस तरीके से अपने सतगुरु देव जी की जो आध्यात्मिक चेतना तथा सतगुरु शोभा यात्रा है उसमें भाग ले रहे हैं।